सपने देखा करो। वो कहते हैं ना कि कभी कभी सपने सच हो जाया करते हैं, तो देख लेने चाहिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ट्रैवल स्पेस। तो आप सभी को पता है कि मुझे ट्रैवलिंग का कितना शौक है, मुझे पर्टिकुलरली बीचेस बहुत पसंद है। तो इसीलिए मैंने इस बार ही ऐसी लोकेशन चूज़ किया जहाँ पे मुझे बीच पे एक्सप्लोर करने का टाइम ज़्यादा मिले। सो आई वेंट टू इंडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रॉपिकल पैराडाइज विच इज़ अंडमान। एंड अंडमान हैज़ यू नो लॉट टू ऑफर, लाइक ब्यूटिफुल बीचेस, देन मिस्टीरियस फॉरेस्ट है जहाँ पे आप बहुत सारी ट्रैकिंग कर सकते हो, सनसेट सनराइज है, ब्यूटिफुल टर्कोइज वाटर वहाँ पे वो शेड आएगा जो बहुत ही सुंदर है वो, और फिर मरीन लाइफ है बहुत सारी, वाटर स्पीशीज़ हैं बहुत सारी, तो ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और वो जो टर्कोइज वाटर, वो ब्यूटिफुल स्काई का शेड और पानी का जो शेड्स है वो इतना सुंदर और अनरियलिस्टिक लगता है, मैं ऐसे बयान नहीं कर सकती आपको। जब तक आप जाओगे नहीं, वो एक्सपीरियंस नहीं करोगे, मतलब मैं नहीं बता सकती आपको। तो इट्स अ मस्ट गो टू प्लेस फॉर एवरीबॉडी एंड इट्स वर्थ वॉचिंग वंस यू गो देयर, सो यू मस्ट गो देयर। सो ये वीडियोज एक्चुअली मैं मल्टीपल आइलैंड पे गई थी अंडमान में, लाइक हैवलॉक, नील एंड पोर्टब्लेयर। सो इसीलिए मैं इस सीरीज़ को ब्रेक कर रही हूँ इंटू फ्यू एपिसोड्स। सो ये जो फर्स्ट एपिसोड्स है, इट कवर्स ऑल द यू नो ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, ईटरीज, लोकल साइट रिलेटेड टू पोर्ट ब्लेयर। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड चलो फिरते हैं। पोर्ट ब्लेयर के लिए हमने मुंबई से फ़्लाइट्स बुक करी थी, गो आईबीबो ऐप यूज़ किया था, तो हमें इन एन ऑल टोटल ऑफ 7500 लगा था फ्रॉम मुंबई टू पोर्ट ब्लेयर। बाय द वे, पोर्ट ब्लेयर अगर आप मुंबई से ट्रैवल कर रहे हैं तो लेयर होगा और कनेक्टिंग फ्लाइट मिलेगी, तो इन एन ऑल टोटल 7 आवर्स लगेंगे आपको वहाँ पर पहुँचने के लिए। तो कुछ ट्रैवल टिप्स दे रही हूँ, हमेशा एडवांस बुकिंग करिए आप फॉर अकोमोडेशन एंड फ्लाइट्स, तो सस्ती मिलेंगी ये सारी चीज़ें। ऑफ सीज़न ट्रैवल करेंगे तो आपको नेगोशिएट करने मिलेगा, एक्टिविटीज़ सस्ती हो जाएंगी, भीड़ कम मिलेगी, तो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो आप। डिसएडवांटेज बस यही होता है कि अनप्रडिक्टेबल वेदर होता है, तो ख्याल रहे आप जब भी ट्रैवल कर रहे हैं टू अदर लोकेशन। और ये हम पहुंच गए पोर्ट ब्लेयर वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बीच वाली डेस्टिनेशन और नारियल, वाह क्या प्यार है। बाय द वे, पोर्ट ब्लेयर में हमने रीफ अटलांटिस होटल बुक किया था जो कि 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है फ्रॉम एयरपोर्ट। द गुड थिंग इज़ कि वो फ्री पिकअप सर्विस देते हैं फ्रॉम एयरपोर्ट, तो ये हमें फ्री था और हमें ये 2500 पर नाइट पड़ा था ये होटल। अब मैं आपको फटाफट रूम टूर दिखा देती हूँ। और अंडमान में होटल में ही ब्रेकफास्ट इंक्लूड करा लें तो आपको अच्छा पड़ेगा, क्योंकि आसपास थोड़ा अगर रिमोट एरिया हुआ तो ज़्यादा ऑप्शंस एंड वैरायटी नहीं मिलेंगे, तो ध्यान रहे आप जब भी अंडमान ट्रैवल प्लान करें तो ब्रेकफास्ट इंक्लूड कराना ना भूलें होटल में ही। नेक्स्ट डे हमें हैवलॉक के लिए सुबह ही निकलना था क्योंकि फेरी थी हमारी 7:30 मॉर्निंग, तो होटल वालों ने हमें ब्रेकफास्ट पार्सल करके दिया था। सो चलो अभी थोड़ा पोर्ट ब्लेयर के बारे में भी जान लेते हैं। तो पोर्ट ब्लेयर कैपिटल सिटी है फॉर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, काफ़ी क्लीन जगह है और हॉन्ग के सब मैंने ज़्यादा कहीं सुना नहीं, तो काफ़ी अच्छी जगह है। और यहाँ की पॉपुलेशन 4 लाख के करीब है एज ऑफ 2021। बाय द वे, एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे मेरा दोनों आइडिया एंड जियो नेटवर्क चल रहा था। कल से सेल्युलर जेल की तरफ गए थे, इस जेल में ही काला पानी की सज़ा मिलती थी, तो हमने होटल से ऑटो की थी जेल के लिए जिसका कॉस्ट हमें 60 पड़ा था। सेल्युलर जेल की टिकट आपको 30 रुपीज़ की मिल जाती है और आप अंदर पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। हालांकि इसकी टिकट सिर्फ 4 बजे तक ही अवेलेबल होती है। रात को हमने लाइट एंड साउंड शो लिया था 7:15 का, जो इंग्लिश शो वर्शन था। ये हिंदी में भी अवेलेबल होता है, बस टाइमिंग अलग होती है। इस शो में हमारे फ्रीडम फाइटर की हिस्ट्री रिलेटेड टू सेल्युलर जेल, इसके बारे में जानकारी देते हैं। बाय द वे, ये टिकट हमें 300 पर पर्सन पड़ी थी।
इसी के पास में ही मरीना पार्क है जहाँ पे हम गए थे, जो कि एकदम पास में ही है ये भी, ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो हम वहाँ पैदल ही गए थे। यहाँ पे पास में ही एक्वेरियम भी है, तो इस प्लेस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 आवर स्पेंड कर सकते हैं। ये किड्स एरिया है तो, एंड एक्वेरियम भी है, तो वहाँ की भी टिकट्स अवेलेबल होती हैं जहाँ पे आप थोड़े वाटर स्पीशीज़ वगैरह देख सकते हो। और ज़्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं, यहाँ पार्क के ही पास में मरीना दी कैफ़े है, आप वहाँ कुछ खा सकते हैं। हमने समोसा एंड चाट आइटम्स लिया। बाय द वे गाइस, मैं आपको ये बताना भूल ही गई कि हमने ट्रिप का स्टार्ट और एंड डेट रखा था पोर्ट ब्लेयर में, तो अब हम लास्ट डे दूसरे होटल की तरफ जाते हुए, हमने अरवसा होटल बुक करा था जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे स्पा भी अवेलेबल है, बच्चों के लिए बेबी सिटर, साइकिल्स, प्ले आइटम सब कुछ अवेलेबल है, तो ये काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है एक्सप्लोर करने के लिए। इसके रूम हमें पड़े थे 3600 में। गाइज़, ये प्रॉपर्टी पोर्ट ब्लेयर जेटी से 18 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। हमने कैब बुक करी थी तो ड्राइवर ने हमसे चिड़िया टापू और होटल को होटल तक पहुंचाने के लिए 1500 लिया था, सो 1700 फ्रॉम जेटी टू होटल। सो ये क्विक रूम टूर मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए काफ़ी ब्यूटीफुल वुडन कॉटेज, और अब मैं आपको क्विकली रूम टूर कराती हूँ। तो ये कुछ यूँ दिखता है वुडन कॉटेज, ये है उसका रेस्ट रूम, और ये रहा पैड एरिया, एंड देन द बालकनी इज ब्यूटिफुल, लुक एट द लश ग्रीन जस्ट राइट आफ्टर योर बालकनी। एंड यहाँ पे पास में बीच भी है, रिलैक्सेशन एरिया भी है, स्विमिंग पूल भी है, सो काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। और अब हम चिड़िया टापू की तरफ बढ़ते हुए, और ये रहा चिड़िया टापू जहाँ अलग अलग तरीके की चिड़िया आती है, और ये बीच और फॉरेस्ट के बीच में है, तो आप दोनों एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉरेस्ट की तरफ ट्रैक करके आप ऊपर और भी बेहद खूबसूरत सनसेट का नज़ारा देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो। बहुत ही शांत सी जगह है, इसका क्लोजिंग टाइम 5:30 का है, तो अकॉर्डिंगली आप प्लान बनाएं प्लीज़। और खाने के लिए गाइज, हमने होटल में ही हर जगह पोर्ट ब्लेयर में इंक्लूड करा लिया था फूड आइटम्स, बिकॉज यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ी दूरी पे है आपका होटल से, तो आपको वैरायटीज़ नहीं मिलेंगे, तो ये बेहतर है कि आप होटल में ही इंक्लूड करा लें। और अगर आप आसपास मार्केट है, तो आप भातू बस्ती मार्केट ये सब में जाके और एक्सप्लोर कर सकते हो फूड आइटम्स। बाय द वे, अंडमान में आपको सी फूड की वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है, तो अगर आप नॉन वेज खाते हो, तो आपके लिए बेस्ट वहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बहुत गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑन हैवलॉक आइलैंड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, घूमते रहो।